हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एक्सेल। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको डेटा कोई है कि कोई अनऑथराइज पर्सन जिसके पास राइट नहीं है वो आपको डेटा में कोई छेड़छाड़ करे, तो उसके लिए आप ये प्रोटेक्ट शीट का जो एक ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जैसे डेटा मैंने यहाँ पर लिया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इस प्रोटेक्ट किसी भी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल से आपको जिस शीट को आपको प्रोटेक्ट करना है वहां पर आके आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट करके करेंगे तो यहाँ पर एक नया टैब यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। तो इसके लिए पूछ रहा है कि पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं किसी चीज को आपने प्रोटेक्ट किया है, अगर आप चाहते हैं उसको अनप्रोटेक्ट कैसे होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पर आप डाल सकते हैं जिसके थ्रू आप जो है बाद में इसको इस शीट को दोबारा अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ भी एक पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, तो जैसे मैं ओके करूंगा तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपको किस तरह का प्रोटेक्ट चाहिए। अगर आपको पूरी शीट में प्रोटेक्ट चाहिए कि भाई इसमें कुछ भी कोई भी जो है इसमें डेटा हमारा कोई छेड़े ना, कि कोई भी चीज़ में एडिट ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इनको यहाँ पर आप सबको टिक कर लेंगे। जितने भी ऑप्शन है ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके करेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद ये आपसे फिर पूछेगा कि जो आपने पासवर्ड पहले यहाँ पर सीट को अनप्लॉट करने के लिए किया है वही आपको दोबारा वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं वही सेम पासवर्ड यहाँ पर इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पर इसने बहुत एक वार्निंग मैसेज दे रखा है। इसने लिखा है कि इफ यू लूज या फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट इज एडवाइजेबल टू कीप ए लिस्ट ऑफ पासवर्ड एंड देयर करस्पॉन्डिंग वर्क। इनमें किसका कहने का मतलब यह है कि आपने जो पासवर्ड इनकेस अगर आप भूल जाते हैं तो वो दोबारा आपका जो है रिकवर्ड नहीं होगा। तो जब भी आप इसका यूज करें तो बड़े केयरफुली से, या तो आप कहीं पर इसको सेव कर लीजिए आप जिस पासवर्ड को भी किसी प्रोडक्ट सीट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अब देखिए मैंने जितने भी वहाँ पर जिस तरह जो भी कंडीशन यूज किया उसमें देखता हूँ कि क्या मैं इसमें कुछ एडिट कर सकता हूँ। सपोज करो मैं अगर राजेश सिंह की जगह अपना ही नाम यहाँ लिखता हूँ कमलेश। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर किया तो उसने लिख दिया द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर रीड ओनली। मतलब आप जिस सेल में कोई एडिट करना चाह रहे हैं उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको खाली आप जो है रीड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा है फंक्शन वो आप कहीं भी अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये वार्निंग मैसेज यहाँ पर शो करेगा। ये तो बात हुई कि हमने सीट प्रोटेक्ट की, अब उसको अनप्रोटेक्ट कैसे करना है, उसके लिए सेम वही हमें यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अनप्रोटेक्ट सीट में आना है। वही पासवर्ड जो हमने पहले यहाँ इंसर्ट किया है वही हमने यहाँ पर डाल के इसको अनप्रोटेक्ट करना है। तो मैं पासवर्ड यूज करूंगा वही वाला और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर कोई भी एडिट कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने किया तो ये एडिट यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से एक अच्छा ये है। अभी आपको लगता है कि अभी डेटा आपका अर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई तो उसमें कई कई डेटा इधर का उधर जाता है, तो इसलिए आप इस फंक्शन का यूज एक्सेल में कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट के में कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आपको यहाँ पर लॉक करना है तो अपने हिसाब से आप जो भी आपको इसमें ऑप्शन चूज करना है वो आप इसमें वन बाय वन ले सकते हैं। तो ये सारे मैं ऑप्शन यहाँ पर हटा दिए। लाइक मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ इंसर्ट रोज, ठीक है, या इंसर्ट कॉलम मैंने किया। ठीक है,
ठीक है, आप देखते हैं कि कोई क्या मैं कोई इसमें कॉलम इंसर्ट कर पाता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ यहाँ पर कोई भी कॉलम जो है मैं इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो पर्टिकुलरली भी आप यहाँ पर एक प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर कोई भी एक कॉलम जो है इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने अनप्रोटेक्टेड हटाया तो यहाँ पर मैं कॉलम इंसर्ट वाला यहाँ पर हो गया। तो किसी एक पर्टिकुलर उस पर भी आप इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इस वाले में मैंने यूज किया था कॉलम्स का, अगर मैं इंसर्ट रॉस का करता हूँ तो देखते हैं क्या मैं इसमें कोई इंसर्ट रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ कोई भी यहाँ पर कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो जो मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी पर प्रोटेक्शन यूज कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर कमांड काम नहीं कर रही है। अब देखिए जैसे मैंने अनप्रोट किया तो यहाँ पर वो मैं अब इंसर्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। तो इस प्रोटेक्ट शीट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं कि मुझे पूरी शीट प्रोटेक्ट करनी है तो उसमें आपको लगता है कुछ पर्टिकुलर अगर डेटा किसी को आपको करना है तो उसके लिए आप कोई भी यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कॉलम्स का है, इंसर्ट का, कुछ भी आपको जो लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो आपकी डेटा शीट है अगर आप चाहें तो पूरी शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और किसी अगर पर्टिकुलर आपको सेल या रो या कॉलम जो भी आपको प्रोटेक्ट करना है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियोज डेली देखने को मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही है, खुश रखिए, औरों को भी खुश रखिए। बाय बाय।